फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि फ़ोन में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं ऐसा स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, ये देखो ऐसे करने के बाद ऐसा स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, या फिर ऐसा स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, तो ये मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये देखो अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था। ओके, ये देखो आपको देखने को मिला, ये भाई मेरा स्क्रीनशॉट आ गया जो अभी जस्ट मैंने लिया था। ओके, तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में कैसे ले सकते हो, तो प्लीज़ भाई वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हो सकता है कि आप किसी भी ब्रांड का फ़ोन यूज करते हो, किसी भी ब्रांड का, ओप्पो का, सैमसंग का, वीवो का, मेट्रोला का। ओके, तो आपके फ़ोन में एक ऑप्शन देखने को मिलता है भाई स्क्रीनशॉट का। ओके, मैं वीवो का फ़ोन यूज करता हूँ, तो ये देखो भाई यहाँ पे एक एस कैप्चर का ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे। ओके, यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, तो ऐसे कर सकता हूँ। तो ये आपके फ़ोन में देखने को मिलता है। अगर ये फंक्शन आपके शॉर्ट कट में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सेटिंग पे जाना है। ओके, सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है भाई। ओके, और स्क्रॉल करने के बाद आपको इस कैप्चर का या फिर स्क्रीन शॉट के नाम से या स्क्रीन मिररिंग के नाम से कोई ना कोई ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर पे भाई, और वहाँ पे एक ऐप को सर्च करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ओके, ये लिख के आपको सर्च कर देना है, फिर आपको ये ऐप देखने को मिल जाएगा। इसको आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। ओके, करने के बाद क्या करना है, आपको इसको भाई ओपन कर देना है। आपको देखने को मिला कि भैया ये मैंने इसको ओपन भी कर दिया है। ओके, फिर आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है भाई क्या स्क्रीन शॉट लेना है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर दोगे ये स्क्रीन शॉट हो जाएगा भाई। ओके, तो ऐसे आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो भाई। उस ऐप को आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया, फिर क्या करना है, सिंपल उस ऐप को ओपन कर देना है। ओके, ओपन करने के बाद इसको बस ऐसे कर देना है, और ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है भाई, आपको लेना है ओके स्क्रीन शॉट। तो आपको क्या करना है, ये भाई आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन शॉट का ये ऑप्शन।